हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। और मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों देखिए, आज सूर्य देवता के ही दर्शन कर लीजिए। मैं अर्ली मॉर्निंग ऊपर आई हूँ और चिड़ियों की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है और हमारे सूरज देवता भी निकल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रही थी कि हम लोग जो बड़े बड़े गमले होते हैं उनको उसमें एक ही प्लांट लगा के हम लोग उसको खाली छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा ना करके जो ये हमारे प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ये देखिए मेरा ये टब है और टब में मैंने चंपा का प्लांट लगा रखा है। ये लाइट पिंक चंपा है। तो मैंने उसमें देखिए कलनकोई की इतनी छोटी सी कटिंग लगा रखी थी और धीरे धीरे देखिए कितनी फैल गई है। और देखिए, हमको बड़े पॉट में जो है ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जिसकी जड़ें ज़्यादा डीपली ना जाए अंदर। तो जैसे ये चंपा क्या है, तो वो तो डीपली जाएगा अंदर, काफ़ी मतलब रूट्स फैलेगी। लेकिन हमारे ऐसे प्लांट हमें लगाने चाहिए, शीट्स लगाने चाहिए जिसकी पौध भी तैयार हो जाए। और जैसे ये कलन कोई है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जड़ें ज़्यादा डीपली अंदर जाती नहीं हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे चल भी रहे हैं। और मैंने इसी पॉट के अंदर बहुत सी चीज़ें लगा रखी हैं। देखिए ये मेरी, ये जो अपने आप निकल आती है खट्टी जो भाजी होती है, उसके फ्लावर्स भी जो पिंक पिंक जो मैंने आपसे शेयर किया था वो भी निकल आई है। इसमें मैंने मोगरा की कटिंग लगाई है ब्लैक पॉली बैग में। इसमें विंका के शीट्स मैंने लगाए हैं और इसे धूप भी मिल रही है, छांव भी मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे मेरा गुआवा का प्लांट है, अमरूद का, और ये काफ़ी बड़े पॉट में लगा हुआ है। तो मैंने ये गेंदे के फूल सूख गए थे तो इसमें बिखेर दिए थे। तो देखिए इसमें भी कितनी अच्छी पौधे तैयार हो गई है और खूब सारे फूल भी आ रहे हैं। इसी तरह इसमें मैंने बारिश के मौसम में जो है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी ये जो शीट्स है ये मैंने थूजा की लगा दी थी। इसमें थूजा के कुछ शीट्स लेकर आई थी और इसमें लगा दिया था। और ये देखिए ये भी कितनी अच्छी चल पड़ी है। इसके अंदर मॉर्निंग ग्लोरी के भी शीट्स मैंने डाल दिए थे और वो भी प्रोपोगेट हो गए हैं। इसी तरह दोस्तों, ये देखिए ये मेरा पारिजात का पौधा है, पारिजात का प्लांट है, पौधा क्या। तो इसमें भी मैंने जो है कटिंग जो है लगा के इसी में ही रख दी थी, पॉली बैग में कटिंग लगा के इसमें रख दी थी। तो इसमें क्या है कि नीचे से इसको नमी भी मिलती रहेगी और ये हमारा अच्छे से कटिंग भी हमारी चल जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी कटिंग चल पड़ी है। देखिए दोस्तों, जिसमें मैंने बेल पत्र लगा रखा है हमारे भगवान भोले बाबा में, तो उसी में ही कुछ शीट्स मॉर्निंग ग्लोरी के गिर गए थे। तो ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी अपने आप प्रोपोगेट हो गई और कुछ शीट्स मैंने इसमें उसके डाल दिए थे दिन का राजा, और कुछ शीट्स जो है ये पिंक मैक्सिकन पिटोनिया है हमारा, तो इसमें मैंने डाल दिए। मैंने क्या डाला था, ये अपने आप छिटक के इसमें गिर गई। तो ये देखिए इसमें नई नई पौध तैयार हो गई है और आप इसे निकाल के दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। तो हमारे देखिए कितनी अच्छी पौध हमारी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए ये हमारी पार्वती जी हैं, इनमें मैंने पंचमुखी गुड़हल लगा रखा है। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी की बेल जो है इसी से लपेट के चली आ रही है ऊपर। तो इसमें भी देखिए मैक्सिकन पिटोनिया कितने सारे निकले हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे विंका के फ्लावर, और कितना सुंदर कलर है देखिए इसका। और दोस्तों जो है इसके भी शीट्स मैंने निकाले थे तो इसी में ही मैंने डाल दिए थे। तो इसमें देखिए कुछ पौधे इसमें निकल आई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए इसमें, ये देखिए ये वाले पौध निकल आई है। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने बड़े पॉट में सिर्फ एक प्लांट ना लगा करके उसमें आप शीट्स भी लगा सकते हैं। चाहे आप फ्लावर के शीट्स लगाइए, चाहे मसालों के मतलब बीज लगाइए। जब उसकी पौध तैयार हो जाए तो आप उसको दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय। देखिए ये मेरा प्लांट, ये पान का प्लांट है, क्रीपर है। ये देखिए इसमें भी नए नए कल्ले फूटने शुरू हो गए हैं। और इसमें भी देखिए मैंने वंडरिंग जो कि इतनी छोटी सी कटिंग डाल दी थी, और ये देखिए धीरे धीरे फैल के इसमें इतनी अच्छे से हो गई है। अब इसको हैंगिंग प्लांट में हम लगा देंगे।